तो बच्चों, हम लोग स्टैंडर्ड 11th का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं मूल कॉन्सेप्ट में। ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो लेक्चर बना दिए हैं मूल कॉन्सेप्ट के। पहला पूरा इंफॉर्मेटिव पार्ट था मूल कॉन्सेप्ट का, दूसरा और तीसरा वीडियो लेक्चर उसमें हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग मूल कॉन्सेप्ट के कुछ और ज्यादा न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपने अभी तक बेल बटन क्लिक नहीं किया है तो बेल बटन को क्लिक करो, क्योंकि बेल बटन क्लिक करोगे तो मेरे वीडियो लेक्चर के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। जैसे अपडेट होगा आपको मिल जाएगा। ऑल्सो मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो यस ऑफ कोर्स लाइक बटन पे जरूर क्लिक कीजिएगा, और छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से कॉमेंट इज रिक्वायर्ड। वो मुझे थोड़ा और एनकरेज करता है कि मेरे बच्चों के लिए और थोड़ा बेटर मैं कर सकूं। चलिए, तो मूल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मूल कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल अगर करने हो तो उसकी फॉर्मूला, तो उसके लिए आपको मेरा वीडियो लेक्चर नंबर 2 देखना पड़ेगा। उसमें मैंने फॉर्मूला जो मैंने वीडियो लेक्चर नंबर 2 बनाया है उसमें स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूलाज, और मैंने आपको एक बढ़िया से लॉजिक और कॉन्सेप्ट दिया था उसमें वीडियो लेक्चर नंबर 2। पहले वीडियो लेक्चर नंबर 2 देखिए, उसमें मस्त बढ़िया सा लॉजिक पूरा ट्राइंगल बेस पे लॉजिक दिया है। मोल पे से मास कैसे फाइंड करना है, मोल पे से मॉलिक्यूल कैसे फाइंड करना है, मोल पे से वॉल्यूम कैसे फाइंड करता है, मास पे से मोल्स कैसे फाइंड करना है, मॉलिक्यूल सॉरी मास पे से वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है, वॉल्यूम पे से मॉलिक्यूल, पूरा कॉन्सेप्ट उसमें से दिया है वीडियो लेक्चर नंबर 2 स्टार्टिंग में। मैंने आपका पूरा एक्सप्लेनेशन उसमें दिया है, वो देखिए, ठीक है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग मूल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल आगे करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने किया थे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी अगर आपको नंबर ऑफ एटम फाइंड करने के लिए बोले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने के लिए बोले, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स एलिमेंट फाइंड करने के लिए बोले, एक एटम का मास, वो सारी फॉर्मूला मैंने आपको दे दी, ठीक है। आज हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज के न्यूमेरिकल्स में हम लोग फाइंड करेंगे मास कैसे फाइंड करना होता है, अगर आपको कुछ वैल्यूज दिए मोल्स में दिए या मॉलिक्यूल में या वॉल्यूम में, मास कैसे फाइंड करना है, मोल्स कैसे फाइंड करना है, आपका वॉल्यूम दिया है मॉलिक्यूल दिया है या फिर आपको मास दिया है तो उसके मोल्स कैसे फाइंड करने हैं, वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है, राइट। वो कुछ इस पैटर्न के न्यूमेरिकल्स करेंगे और आखिर में हम लोग मूल कॉन्सेप्ट को एंड करेंगे उसके हाई लेवल न्यूमेरिकल के साथ। पहले हम लोग लो लेवल के थोड़े न्यूमेरिकल बोर्ड लेवल से कर रहे हैं, उसके बाद हाई लेवल जेईई नीट लेवल के न्यूमेरिकल करने वाले है। अरे है, यस देखो फिर। चलिए, पहले मैं आपको दिखा देता हूं फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन कौन सी है, मैंने आपको फॉर्मूला दी थी ट्रिपल पे, यहाँ पे साइड पे एक बढ़िया सा लिस्ट बना रहा हूं फॉर्मूला का, जो आपको बहुत ही यूज होने वाले। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू आई गेस इट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये मैंने पहले फॉर्मूला दी थी, ठीक है। या फिर नंबर ऑफ मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, आपको गिवन मास मिलेगा, क्लियर। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम एट एसटीपी मल्टीप्लाई करोगे, वॉल्यूम एट एसटीपी मोलर वॉल्यूम, ठीक है, इसे हम मोलर वॉल्यूम बोलते हैं एट एसटीपी, तो आपको मिलेगा वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का वॉल्यूम मिलेगा वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का वॉल्यूम मिलेगा वॉल्यूम ऑफ एनी गैस। अच्छा, मोलर वॉल्यूम कितना है वो भी आपको पता है, 22.4 लीटर, ठीक है। एक और चीज याद रखने के लिए बोलते मैंने, वन मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का अगर आप वन मोल लोगे, वन मोल ऑफ एनी गैस किसी भी गैस का वन मोल लोगे तो उसका वॉल्यूम एट एसटीपी ऑलवेज 22.4 लीटर होता है, ऑलवेज 22.4 लीटर होता है, ऑलवेज 22.4 लीटर होता है। ये 3 बढ़िया सी फॉर्मूला आपको याद रखनी है। साथ में एक और फॉर्मूला दे रहा हूं जो आपको यूज करनी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपको फाइंड करने हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर पार्टिकल लिख देता हूं, चलिए उसमें कुछ भी आ जाएगा, एटम मॉलिक्यूल जो भी हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में कुछ भी आ जाएगा, चाहे आपको एटम फाइंड करने हो, चाहे आपको मॉलिक्यूल फाइंड करने हो, चाहे आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फाइंड करने हो, सब आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को उसी के एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे। चार फॉर्मूला आपकी रेडी हो गई आपके स्क्रीन पे। हम लोग जो न्यूमेरिकल यूज करेंगे ना, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोल्स के, हमने प्रीवियस, वापस रिपीट कर रहा हूं, प्रीवियस वीडियो लेक्चर नंबर 2 में
नहीं दिखा तो देख लेना, हमने न्यूमेरिकल किए थे, वन एटम का मास फाइंड करना हो, नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल फाइंड करना हो, या फिर सेम टाइप ऑफ एटम मॉलिक्यूल फाइंड करना हो। अब हम फाइंड करेंगे मोल्स, मास, वॉल्यूम एक्सेट्रा। पहले हम बात करते हैं मोल्स की। तो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे, लैपटॉप के स्क्रीन पे, मोबाइल के स्क्रीन पे, कहीं पे भी दिख रहा है, दिख रहा है, आओ दिख रहा है, चलो देखिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यू कैन सी दिस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। अब डिफरेंट पैटर्न दिए, नंबर वन मास दिया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 392 ग्राम ऑफ H2SO4। नंबर टू 44.8 लीटर ऑफ CO2 गैस एट STP। यानी पहले में आपको मास दिया है उसपे से आपके मोल्स फाइंड करने हैं, दूसरे में आपको वॉल्यूम दिया है उसपे से मोल फाइंड करना है। नंबर थ्री 6 × 10⁻²⁶.02 × 10⁻²⁷ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, उस मॉलिक्यूल को आपको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, क्लियर। देन 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, उसको आपको मोल में कन्वर्ट करना है। आयरन, उसका मेट्रिक टन में मास दिया है, यू कैन सी द क्वेश्चन, 1 मेट्रिक टन ऑफ आयरन, उसमें कितने मोल्स होते हैं। एंड फाइनली आपके दो क्वेश्चन है, कैल्शियम 7.9 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम और एक होता है 6.5 माइक्रोग्राम ऑफ कार्बन, उसमें कितने मोल्स होते हैं। 6-7 क्वेश्चन है, सातों के सातों क्वेश्चन में आपको फाइंड करने नंबर ऑफ मोल्स, ऑल 7 क्वेश्चन, मास पे से, वॉल्यूम पे से, वॉल्यूम। अच्छा, मास पे से फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास। वॉल्यूम पे से नंबर ऑफ मोल फाइंड करनी है तो ये फॉर्मूला, एन नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, जो भी, क्लियर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम पे से फाइंड करनी है तो ये फॉर्मूला। अरे क्या आसान हो गया, लॉजिक ट्रिक, हम लोग ज्यादातर ट्रिक और टेक्निक पे जाएंगे, लॉजिक पे जाएंगे, राइट। बहुत सिंपल है, मास है, नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है, यूज कर लो डायरेक्टली फॉर्मूला, क्या है इसमें, इज देयर एनी धर्म मनी, है, इज देयर एनी धर्म मनी, नो नथिंग धर्म मनी, क्यों धर्म मनी। चलिए तो पहला है 392 ग्राम ऑफ H2SO4, तो आपको मास दिया है पहले पार्ट में 392 ग्राम ऑफ H2SO4, इसके आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या बात है, दाल भात है, खाओ पियो जलसा करो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास, चलो मास को दे दिया है, मास को दे दिया है, मास तो दे दिया है, दिया है तो मोलर मास फाइंड कर दो, मोलर मास, मोलर मास, चलिए मोलर मास फाइंड करता है H2SO4 का, तो मोलर मास फाइंड करना हो तो H2SO4 का मोलर मास कैसे फाइंड करेंगे, आपको आना चाहिए 2 × हाइड्रोजन प्लस सल्फर का मोलर मास प्लस ऑक्सीजन का 4 times। हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास, तो 1, वो तो आपको पता है, चलो हाइड्रोजन का होता है 1, सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन कितना होता है 60, दैट्स इट। चलिए तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 × 1 = 2 प्लस 32, 64, टोटल हो गया 98 मोलर मास, 98 मोलर मास, दैट्स इट, मोलर मास मिल गया, 392 ग्राम वेट दिया है, मोलर मास 98 मिल गया। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ डिवाइड करना है, डिवाइड करके फाइंड कर लो, 98 को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिल रहा है, 98 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, अरे 392 ही मिलेगा, है ना, बकवास तो नहीं कर रहा हूं, सही तो बता रहा हूं, नंबर ऑफ मोल, 4 मोल्स, क्या बात है, सिंपल सा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, यानी सिर्फ आपको दिमाग यूज करना है, ट्रिक यूज करनी है, फॉर्मूला यूज करनी है, कौन सी फॉर्मूला, कौन सी ट्रिक, कौन सा पॉइंट यहां पे काम आएगा मोल कॉन्सेप्ट का, मास दिया है तो, मास दिया है, मास दिया है तो। अब सेकंड वाला देखो, वापस वही क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला 44.8 लीटर ऑफ CO2, सेकंड वाला देख सकते हो ना, 44.8 लीटर ऑफ CO2 एट H2SO4, वॉल्यूम आपको दे दिया है सेकंड में, इन द सेकंड वन, इन द सेकंड, सेकंड वन आपको दिख रहा है ना, आई गेस स्क्रीन के बाहर नहीं जा रहा होगा, अरे क्या बात है सर, बिल्कुल नहीं जा रहा है तो ठीक है ना भैया, नहीं जा रहा है तो वेरी गुड, थैंक यू, गिवन वॉल्यूम, ओह माय गॉड, योर वॉल्यूम इज गिवन, व्हाट इज द वॉल्यूम गिवन भैया, 44 लीटर, इट इज 44.8 लीटर ऑफ CO2 एट H2SO4, वॉल्यूम पे से मोल फाइंड करनी है, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, कौन सी होगी, नंबर वन है ना, नहीं नहीं ना, क्यों, मास है, नंबर थ्री, नहीं नहीं ना, क्यों, वन मोल का बोला है ना, थर्ड में तो यहां पे वन मोल ऐसा कुछ दिया ही नहीं, मोल ही तो फाइंड करना है, वन मोल थोड़ी है, नंबर फोर, नहीं नहीं वो थोड़ी है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो बची कौन सी, नंबर टू, वॉल्यूम एट STP1,
नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ एनिक एसिड रेसिपी, ये जो होता है ना वॉल्यूम ऑफ एनिक एसिड रेसिपी होना चाहिए। तो यहां पे CO2 का वॉल्यूम दे दिया हाइन, इसको दुगना लगान देना पड़ेगा। चलो CO2 का वॉल्यूम दे दिया है 44.8 लीटर एडेस्टिटी, नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं। वेरी गुड, चेक द नंबर ऑफ मोल्स इज इनटू वॉल्यूम एट एसटीपी, मोलर वॉल्यूम सॉरी इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी। ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स, गिवन वॉल्यूम कितना है 44.8, मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4, इसको नीचे लेकर आ जाओ, डिवाइड हो जाएगा तो इंटू टू, ओ इंटू टू, सर आ गया आंसर 2 मोल्स। अरे मेरा भी आ गया, देख लो आसान सा, बढ़िया सा, प्यारा सा, नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा हूं, सारे बच्चे ही है मेरे नन्ने से प्यारे से, बहुत प्यार आता है मुझे मेरे बच्चों पे। चलिए नंबर टू हो गया ना, नंबर वन नंबर टू काफी आसान है, काफी आसान है, काफी आसान है। नंबर थ्री, मॉलिक्यूल्स दिए 6.023 × 10⁻³ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 6.023 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल अरे मॉलिक्यूल यानी पार्टिकल, नंबर पार्टिकल दे दिया है, मोल्स फाइंड करना है, आओ यूज कर, मैंने क्या बोला लॉजिक, प्रॉपर लॉजिक, प्रॉपर कॉन्सेप्ट, व्हाट इज गिवन उस पे से फाइंड करो, क्या दिया है, क्या दिया है, राइट कौन सी फॉर्मूला यूज होगी और किस तरह से करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स। Now oxygen के आई गेस 6.023 × 10⁻³ molecules given, 6.023 × 10⁻²³ molecules given है, number of moles find करने हैं, मैं directly formula use कर देता हूँ, number of moles find करने तो Avogadro number इसको divide कर देंगे इसके नीचे, ठीक है, तो number of moles is equal to 6.023 × 10⁻²³ molecules upon Avogadro number यानी 6.023 × 10⁻²³ एक कट पूरा कट हो जाएगा यानी 1 मोल। अरे बाप रे क्या आसान सा आंसर है, क्वेश्चन है सॉरी आंसर को लेके आए कुछ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना, आसान है इसलिए अलगेडिंग इट्स वेरी इजी अगेन प्रॉपर सोच, प्रॉपर फॉर्मूला, प्रॉपर लॉजिक, यू विल गेट डायरेक्ट आंसर, क्लियर। ये हो गया आपका नंबर थ्री। चलिए नंबर फोर स्क्रीन पे देखो और बोलो क्या फाइंड करना है, सी ऑन द स्क्रीन यू कैन सी नंबर फोर। चलिए नंबर फोर दिया है 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, 9 ग्राम यानी वेट दिया है, उसको मोल फाइंड, मोल में कन्वर्ट करना है, वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज गिवन 9 ग्राम। अच्छा वेट मास, यूजिंग मास हाउ कैन वी फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला नंबर वन सर इट्स क्वाइट सिंपल, चलिए नंबर ऑफ मोल्स is equal to given mass upon molar mass, बहुत easy formula है 9/27 यानी 1/3, इतने मोल्स होंगे। अब 1/3 का आंसर तो आपको पता ही होगा, 1/3 का आंसर आता है सर 0.333333333 आए, इतने नंबर ऑफ मोल्स आते हैं ना, आसान नंबर फोर क्वाइट इजी राइट। Let's go to number 5 question, screen पे आ गया है, what is question number 5, 1 metric ton of iron उसको आपको moles में convert करना है, question calculate number of moles, 1 metric ton of iron वो होता है 10 kilogram right, मैंने आपको दिया भी है 10⁻³ sorry kilogram, मैंने आपको hint में ही दिया है, देख लो hint, हिंट आपको मैंने हिंट दे दिया 10⁻³ किलोग्राम 1 metric ton है, यस यस यानी आपको वेट 10⁻³ किलोग्राम यानी 1000 किलोग्राम। अब वापस किलोग्राम को चलिए एक काम करते, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते, 10⁻⁬ हो जाएगा, 10⁻⁬ ग्राम हो जाएगा, काफी सिंपल है ना, 10⁻⁬ हो जाएगा, 10⁻⁬1 मिलियन। चलिए Now, आपको नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं, तो गिवन मास, यो गिवन मास डिवाइडेड बाय गिवन मास सॉरी डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, चलो गिवन मास क्या है 10⁻⁶, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 10⁻⁶ है ना, यस हो गया, डिवाइड बाय 55.85
आयरन का मास कुछ इतना 56 ले लो अप्रोक्सीमेटली, चलो 56 लोगे तो भी चलेगा अप्रोक्सीमेटली, इफ यू टेक अप्रोक्सीमेटली 56 मिल लो, डिवाइड करो आंसर क्या आता है बताओ, चलो जल्दी डिवाइड करो आंसर क्या आता है बताओ, चलो जल्दी डिवाइड करो आंसर क्या आता है बताओ, 1786 मोल्स, यस सर मेरा भी वही आंसर आया, तो मेरा भी तो वही आया, यू कैन राइट एज 1.78 इनटू 10^4 मोल्स, दिस इज योर फाइनल आंसर, आसान है, यानी 6 और 7 आप अपने आप से कर सकते हैं, उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वो बहुत ही इजी है 6 और 7, यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 6 ओवर हियर, 7.9 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम मास दिया है, अगेन मास गिवन मास ऑफ मोलर मास, डायरेक्टली 7.9 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कंपलसरी करना होगा, क्योंकि हमारा मोलर मास भी ग्राम में होता है, और कैल्शियम का ग्राम होता है 40, ठीक है, सेम वे 7 माइक्रोग्राम दिया है कार्बन का, देख लो क्वेश्चन नंबर 7 माइक्रोग्राम 6.5 माइक्रोग्राम, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 6.5 माइक्रोग्राम या माइक्रो माइक्रो 10^-6 डिवाइड बाय 12, इसका भी जो आंसर आता है, यस सातों के सातों सम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, अगर मास पे से फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला, अगर वॉल्यूम पे से फाइंड करनी है तो ये फॉर्मूला, अगर वन मोल ऑफ गैस तो वो डायरेक्टली लेना है उसका कंपैरिजन होगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करनी है तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल पे से मोल्स फाइंड करना है तो वो फॉर्मूला, ठीक है, ये सारी फॉर्मूलाज आपको याद रखनी है, इज दैट क्लियर, चलिए तो सर 6 और 7 का आंसर तो बता दो, हमने फाइंड कर दिया है, चलिए तो मैं बता देता हूं, 6 का आंसर आता है 1.974 * 10^-4 5.48 × 10^-7 वोल्ट्स, कुछ ऐसा आएगा है ना, 5.45 × 10^-12 अरे मेरे प्यारे बच्चों ये तो सिर्फ मैंने मोल्स का बताया है, मोल्स का बताया है, अभी जाओ मैं वॉल्यूम और इसका मास उससे रिलेटेड, ठीक है, ये सारे बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बेसिक लेवल के जो आपको बोर्ड में आ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में तो सीबीएसई वाले जो सेमेस्टर सिस्टम होते हैं ना उसमें आ सकता है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इरेज कर दू, पॉज करके लिख दिया हो तो कर देते इरेज, ठीक है, राइटिंग बच्चों मैंने आपको बोला था राइटिंग कैसे करना है, कलरिंग पेन का बढ़िया बढ़िया सा यूज करो, मजा आएगा, कलरिंग पेन का लिखा होता है ना तो देखने में मजा आता है, पढ़ने में मजा आता है, आईज को बहुत मजा आता है उसको देखने, ठीक है, करना कुछ नहीं सिर्फ एक सोच कि भाई ये फॉर्मूला यूज करनी है, ये क्वेश्चन में ऐसे फॉर्मूला यूज करनी है, इसको उसको क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करता है, बाकी करना कुछ नहीं, हो गया, अब नेक्स्ट वाला पॉइंट मास क्वेश्चन, यू कैन सी स्क्रीन पर देखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ, अब आपको यहां पे तीन क्वेश्चन दिए, चार, पहला है मोल्स पे से फाइंड करना है ना मोल्स, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखो मॉलिक्यूल्स पे से फाइंड करना है ना, और लास्ट वाला क्वेश्चन है वॉल्यूम पे से फाइंड करना है, मोल्स पे से मॉलिक्यूल पे से और वॉल्यूम पे से फाइंड करना है, क्लियर, चलिए 0.1 मोल ऑफ KNO3 मोल ऑफ KNO3 सर ये तो हमें आता है क्योंकि आपने फॉर्मूला दे दिए बच्चों, ठीक है तो आप कर लो 0.1 मोल ऑफ KNO3 क्या फाइंड करना है, मास, मास और मोल का रिलेशन यही है वो आंसर है, गौर से बच्चे लो, इवन मास मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स, आपको मास फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स दे दिए, मोलर मास आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है कोई बात नहीं, हम लोग फाइंड करते हैं मोलर मास, हाउ कैन वी फाइंड मोलर, चलिए मोलर मास से फाइंड करते हैं, K प्लस N प्लस 3 ऑक्सीजन, K का होता है 39 नाइट्रोजन का 14 ऑक्सीजन का 16, 3 जा 48, 39 प्लस 14 प्लस 48 एंड 40 62, 62 एंड 39, 62 एंड 30 होता है 92 एंड 9, 101 ग्राम पर मोल हो गया,
नंबर ऑफ मोल्स मेरे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करते हैं इसका नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास, चलिए मास कितना है 0.1, मोलर मास 101, आंसर क्या आता है कैलकुलेट करो, बता दो आंसर। बहुत ही आसान सा है, बहुत ही आसान सा है। ए मैंने गलती कर दी, बच्चे बोल रहे होंगे ये सर क्या आज फॉर्म में आ गए और ये गलती कर रहे हैं। आई नो दैट, सॉरी, आई एम एब्सोल्युटली सॉरी स्टूडेंट्स। गिवन मास फाइंड करना है, मोल दिया है यानी 0.1 × 101, आई एम वेरी वेरी सॉरी बच्चे लोग, गिवन मास फाइंड करना है। थोड़ा आज क्या है कि मजा आ रहा है पढ़ाने में, पढ़ाने में बहुत ही मजा आ रहा है। 0.1 यानी 10, 1/10, 1/10 यानी 10.1 ग्राम हो गया। हसन, जैसे मैंने बताया, सही स्ट्रेटेजी, सही लॉजिक, सही कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल, ये वाले बहुत ही आसान होते हैं, ये वाले न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं आपको करना हो तो, ठीक है। नंबर टू, मॉलिक्यूल स्पेस से फाइंड करना है। नंबर टू क्वेश्चन, यू कैन सी ओवर हियर, अगर आपको मॉलिक्यूल दिए हो तो 1 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल दिए, राइट? क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, 1 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल, 1 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल। चलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 × 10⁻²³, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओके, फाइंड क्या करना है, मास। तो बच्चों एक चीज याद रखो, अगर मास फाइंड करना है तो वो मोल्स पे से फाइंड कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स। और हमें दिक्कत ये है कि यहां पे मोल नहीं दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है। तो बहुत ही सिंपल है, पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल को नंबर ऑफ मोल्स पे कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद ये नंबर ऑफ मोल्स पे से आप गिवन मास फाइंड आउट कर सकते हो। कितना आसान है, कितना आसान है ना, फाइंड करो। चलो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्विक, उसपे से नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। चल नंबर ऑफ पार्टिकल को एन जीरो बोल देता हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल को मैं एन जीरो बोल देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल 1 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 6.023 × 10⁻²। तो ये 10⁻²³ तो कैंसिल हो जाएगा, 10⁻²। अब इसका डिनोमिनेटर डिवाइड करके जो आंसर आता है वो आपको फाइंड करना है, गिवन मास नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत सस्ती जा रही है इसकी। चले तो फाइंड करना है गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स ये है 1 upon 6.023 × 10⁻²। गिवन मास क्या है, मोलर मास, मीथेन का 16 होता है, CH4 है मीथेन, कार्बन 12 और 4 हाइड्रोजन 16। चलिए तो 1 upon 16 ये जो आएगा आपका गिवन मास आएगा, ऊपर 16 आएगा, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा 16, ठीक है, यानी 16 डिवाइडेड बाय 6.023 यानी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 16 × 2 = 16, 3 = 18 होता है, यानी 2 पॉइंट समथिंग आता है, 2.657। सर इसका आंसर मुझे पता है 2.657, अरे क्या बात है, 2.657 ग्राम, काफी इजी क्वेश्चन है ना। नंबर थ्री, अरे मिट गया, मिट गया, अरे भैया तू मिट कैसे गया। नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री, इसी में देखो, कैलकुलेट द मास, अब वॉल्यूम पे से करना है, क्वेश्चन देख लो ध्यान से, 112 cm³ ऑफ हाइड्रोजन एट एस टी, 112 cm³ ऑफ हाइड्रोजन एट एस टी, चलिए 112 cm³ ऑफ हाइड्रोजन यानी वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम एट एसटीपी इज गिवन, इट इज 112 cm³, और मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी क्या होता है, तो मोलर वॉल्यूम, सर मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी हमें पता है सर, इट इज 22.4 लीटर, अरे क्या बात है, 224000 ml, ml यानी सेंटीमीटर क्यूब ही होता है बच्चों, डोंट गेट कंफ्यूज, ये जो सेंटीमीटर क्यूब है ये ml ही है, अरे ये ml ही है, ये ml ही है, ये 22.2240 cm³, क्वाइट इजी, इट्स क्वाइट इजी। चलिए तो आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम एट एसटीपी 112 डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम 2240, सर इसका आंसर हमें आ जाएगा 2 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
20 into 20. Yes, very good. फिर आगे करो. 5. It will be related to 5. Clear? चलिए find करके बता दो इसका आंसर क्या आता है. जल्दी से. चलिए जो भी आता है नंबर वन मिल गया. अरे लेकिन हमारा क्वेश्चन तो अधूरा सा है. हमारी अधूरी कहानी नंबर ऑफ मोल्स मिल गया. चलिए नंबर ऑफ मोल्स मिल गया है तो नंबर ऑफ मोल्स पे से मास फाइंड कर दो. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. कितना आसान सा सवाल है सर, हमें तो मजा आ गया है. ये नंबर ऑफ मोल्स का आंसर जो आता है ठीक है. ये वनजा, ये टू सा, 200. क्लियर? सिंपल है. चलिए 200 यानी 1/200 होता है. ये 1/200 आता है और मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का? 2. यानी 2/200 होगा क्योंकि ये मोलर मास यहां पे आएगा तो मोलर मास हो गया मोल से मल्टीप्लाई. मोलर मास हो गया, मोल कितना है 1/200 और उससे मल्टीप्लाई हो गया मोलर मास यानी 2. इट इज इक्वल टू गिवन मास. चलिए तो गिवन मास का आंसर क्या आएगा? इट विल बी 1/100 यानी 0.01 ग्राम. 0.01 ग्राम नीचे चला गया. बच्चों लेट मी नो, टेल मी. नहीं सर हमें दिख रहा है. वेरी गुड, चलो दिख रहा है. तो पहले हमने फाइंड किया था मास, दूसरा फाइंड किया था मोल्स. अब हम क्या करेंगे? वॉल्यूम फाइंड करेंगे. तो वॉल्यूम से रिलेटेड न्यूमेरिकल यानी देखो वीडियो लेक्चर 2 स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं. बच्चों यहां पे मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, आप ध्यान से देखो. मैंने पहले फाइंड किया था नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. दूसरे न्यूमेरिकल आज अभी मैंने बताया है नंबर ऑफ मोल्स, थर्ड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल. अब हमने देखा है मास. पहले वीडियो लेक्चर में नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स, उसमें मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ कांस्टेंट एटम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो जो भी है. अब नंबर ऑफ मोल्स देखा, अब हमने मास देखा है. एक बाकी रह गया, एक वॉल्यूम. तो तू क्यों बाकी रह गया भाई? तेरे से तो भेदभाव नहीं करेंगे हम लोग, तुझे भी तो फाइंड कर ही लेंगे. कैलकुलेट द वॉल्यूम. चलो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी. 3 क्वेश्चन है, काफी आसान है. कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी. अरे तू भी इरेज हो गया, क्या बात करता है यार. आई एम सॉरी बच्चों, थोड़ा सा मजा आ रहा है मुझे इसलिए. चलिए तो कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी. पहला है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, फर्स्ट वन. दूसरा 1.5 मोल्स ऑफ CO2. दूसरा है, तीसरा है मॉलिक्यूल्स 10^20 वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. चलिए पहला, आइए बच्चों हम देखते हैं पहला पार्ट. पहले पार्ट में दिया है आपको 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन और 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को बताना है आपको वॉल्यूम के टर्म्स में. वॉल्यूम एट एसटीपी कैसे फाइंड करते हैं? चलिए वॉल्यूम एट एसटीपी में कैसे फाइंड करते हैं? आपको दिया है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, फाइंड करिए वॉल्यूम ऑफ एसटीपी, फाइंड कीजिए वॉल्यूम एट एसटीपी. अरे बाबा करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है. आपको नंबर ऑफ मोल्स कहीं से मिल जाए तो आप वॉल्यूम एट एसटीपी फाइंड कर सकते हो. क्यों? क्योंकि वॉल्यूम एट एसटीपी दैट इज मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर है. तो किसी भी गिवन गैस का वॉल्यूम आप आसानी से फाइंड कर सकते हो. यानी मेरा पहला पॉइंट होगा, पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं. चलिए नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास 14, मोलर मास 28. अरे सर ये 28 क्यों लिया? रीजन, नाइट्रोजन N2 होता है, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, दो नाइट्रोजन का 28. बहुत आसान. तो ये हो जाएगा 1/2 यानी 0.4 मोल्स मिल गए. अब आसान हो गया आपके लिए. नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी और यूनिटिफाइड वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी. तो 0.5 टू 22.4 इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी, सॉरी वॉल्यूम एट एसटीपी. फाइंड करो 11.2 लीटर. यस सर 11.2 लीटर काफी आसान आंसर है. चले 22.4 लीटर का यूज करके हम लोगों ने ये किया. नंबर वन. नंबर टू, 1.5 मोल्स आपको दिया है, नंबर ऑफ मोल्स दे दिया है. देखो क्वेश्चन, यू कैन सी बच्चे लोग, मेरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों,
आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दिया है। अरे अगर नंबर ऑफ मोल्स, अरे तो सर बहुत इजी है, क्यों ये कर लो, नंबर ऑफ मोल्स दे दिया है, वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम इंटेंसिटी, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। सर ऐसे सब क्यों देते हो? अरे ताकि ट्रिक समझ में आ जाए, बहुत ही 1.5 मोल ऑफ CO2, सो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम इंटेंसिटी डायरेक्टली है इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटेंसिटी। चलिए नंबर ऑफ मोल 1.5 इनटू 22.4 इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटेंसिटी। 22.4 और 11.2 कितना होता है? 6 और 3 एंड 3, अरे सर बहुत इजी 33.6 है ना। कैलकुलेशन मैथ्स थोड़ा मैं कच्चा हूं लेकिन फिर भी आ गया सर। सर ये 33.6 लीटर वॉल्यूम इंटेंसिटी हो गया, हो गया, हो गया है तुझको तो केमिस्ट्री से प्यार अनिलवा। चलिए नंबर 3, 10^21 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आपको दिए है, 10^21 मॉलिक्यूल्स, और इसका यूज करके क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन मैंने वापस दे दिया है, क्या फाइंड करना है देख लो, वॉल्यूम इंटेंसिटी फाइंड करना है, कैलकुलेट वॉल्यूम इंटेंसिटी। अगेन से आपके पास अगर नंबर ऑफ मोल्स हो तो फाइंड कर सकते हो, तो एक काम करते हैं, ये पार्टिकल ही है ना, तो पार्टिकल पे से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लो। नंबर ऑफ पार्टिकल को N0 से मैं इंडिकेट कर देता हूं, N0 अपॉन Na इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। चलिए मैं डायरेक्ट रिलेट कर देता हूं, डायरेक्ट रिलेट, आपको नंबर ऑफ मोल्स अगर मिल जाएंगे तो उसको हम वॉल्यूम इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, वॉल्यूम इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई। तो एक काम करते हैं, इसको ही डायरेक्टली मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट्स वन एंड सेम, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है नंबर, यानी अब करना क्या है, आपको सीखना क्या होगा, जितना कंसाइज फॉर्म में हमारा न्यूमेरिकल जाए उतना अच्छा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कॉम्पिटेटिव लेवल पे हमें काफी टाइम बचा के न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। चलिए तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैं डायरेक्टली लिख देता हूं नंबर ऑफ पार्टिकल, इसको कन्वर्ट कर देता हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये वैल्यू यहां पर डाल देता हूं, हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल 10^21 अपॉन 6.023 इंटू 10^23 मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP, वॉल्यूम एट STP। बच्चों, अरे ओ बच्चों, कितना आंसर आता है, अरे सर करने तो दो, कर दो, हो गया वॉल्यूम, आई गेस इसका आंसर आता होगा 37 point something लीटर 2 है ना, आई गेस 37.2 लीटर आंसर आता है इसका, हो गया। तो हमने वीडियो लेक्चर नंबर 2 में वापस से घूम फिर के वही सर क्या करते हो बताना तो पड़ता है, मेरा फर्ज है। वीडियो लेक्चर नंबर 2 में हमने देखे थे क्या देखा था हमने नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे फाइंड करते, मास ऑफ वन एटम कैसे फाइंड करते, उसके अलावा हमने ईच टाइप ऑफ एटम फाइंड करने हो तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में पहले हमने देखा मोल्स कैसे फाइंड कर, मास कैसे फाइंड करते हैं, मोल सॉरी, फिर मास कैसे फाइंड करते हैं और वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। ये तो बहुत ही आसान से, अरे एक मिनट हां बच्चों, जस्ट जंप इट, चलिए कोई बात नहीं, ये तो काफी आसान से क्वेश्चन है, काफी, एक काम करते हैं, इसी इसमें से ये जो हमने सारे पैटर्न किए थे ना, एटम मॉलिक्यूल फाइंड करना, मोल्स फाइंड करना, मास फाइंड करना, वॉल्यूम फाइंड करना, उसके एक पैटर्न का न्यूमेरिकल हम लोग कर देते हैं, करते हैं सिर्फ एक पैटर्न का न्यूमेरिकल करते हैं, आप मुझे बताना क्या करना है, ठीक है, और हम लोग वीडियो लेक्चर करेंगे, क्योंकि अब मैं एक और वीडियो लेक्चर बनाऊंगा मोल कॉन्सेप्ट पे, जिसमें हम थोड़ा हायर लेवल पे जाएंगे, ये तो काफी आसान से न्यूमेरिकल थे, इसमें कुछ धाड़ मारना नहीं, नथिंग धाड़ मारिंग सर, कुछ भी लेना देना नहीं है, पता है मुझे बच्चों, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसमें से आपको क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में या फिर स्कूल के एग्जाम्स में आते हैं, हमें टिपिकल लेवल के बाद पास करना है, टिपिकल एक क्वेश्चन में आपको देता हूं, ठीक है, और क्वेश्चन काफी इजी है, कैलकुलेट नंबर 1 मास ऑफ 6.02 into 10^21 molecules of hydrogen. Number two, 4.48 liter of CO2 gas. And
कैलकुलेट 4.42 मिनट। यहां पे क्वेश्चन ऐड कर देता हूं, चलो ये थोड़ा मिस्टेक। ओके, मास मोल्स ऑफ 4.48 लीटर ऑफ CO2 गैस। और नंबर थ्री, पॉइंट नंबर थ्री, वॉल्यूम ऑफ कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ, बहुत ही आसान है, 1.2 मोल्स ऑफ ओडो गैस। चलिए, हर एक टाइप का एक एक न्यूमेरिकल मैंने आपको दे दिया है, ये लास्ट मेथड है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, पहले आपको फाइंड करना है मास। अच्छा, मास फाइंड करना हो तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मोलर मास, मास फाइंड करना है, इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होना चाहिए, तो इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए, नंबर ऑफ मोल्स इट इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करेंगे, ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं। चलिए, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल 6.023 × 10⁻²⁰ डिवाइड बाय 6.023 × 10⁻²³ के कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 0.01। नंबर ऑफ मोल्स मिल गए 0.01। अब आपको फाइंड करना है मास, तो नंबर ऑफ मोल्स में से मास फाइंड कर देते हैं, तो मास डायरेक्टली कर देते हैं। चलो एक काम करते, इसको मोल्स से मल्टीप्लाई कर दो, मोल्स 0.01 मल्टीप्लाई बाय 2, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2, तो इसको मोलर मास, मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, आपको गिवन मास मिल जाएगा, इट इज 0.02 ग्राम। आसान सा, आसान सा समय, नंबर वन। फिर नंबर टू, मोल्स ऑफ 44.8 लीटर ऑफ CO2। अच्छा, मोल्स फाइंड करना है, वॉल्यूम दे दिया है, अरे यही फॉर्मूला है मोल फाइंड करना, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, सॉरी डायरेक्टली, हां डायरेक्टली कर देते, वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी। चलो, वॉल्यूम कितना दिया है 4.48, मोलर वॉल्यूम कितना दिया है 22.4, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 0.1, काफी इजी है सर, बहुत इजी है, बहुत 0.1 मोल, ठीक है। और लास्ट नंबर थ्री, वॉल्यूम ऑफ 1.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब मोल दिया है, वॉल्यूम फाइंड करना है, तो यही फॉर्मूला, वॉल्यूम फाइंड करना है, तो मोल को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। चलिए, नंबर ऑफ मोल 1.2 × मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर, चलिए क्लियर, इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी, इज दैट क्लियर, समझ में आ गया, इजी आंसर, इजी है ये, बहुत ही इजी सम, क्लियर। चल, तो इसका जो भी आंसर आता है वॉल्यूम एट एसटीपी मल्टीप्लाई कर दो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, 44.8 और ये हो जाएगा 46 पॉइंट समथिंग लीटर आएगा, ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेना, बहुत काफी आसान है। चलिए तो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं करेंगे इतना, क्यों, क्योंकि अब मैं अगर ज्यादा करना जाऊंगा तो वीडियो लेक्चर बहुत एक्सपांड होगा, क्योंकि अब मैं थोड़ा लेवल अप करूंगा। ये सारे क्वेश्चंस काफी आसान थे, मास कैसे फाइंड करना है, मोल्स कैसे फाइंड करना है, वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल कैसे फाइंड करना है, या फिर ईच टाइप के एटम्स के मॉलिक्यूल कैसे फाइंड करना है, एक्सेट्रा, वो बहुत इजी है। हम लोग अब लेवल बढ़ाने वाले हैं, मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थोड़ा हाई लेवल का अब न्यूमेरिकल पार्ट आएगा, ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। आपको हाइपरलिंक, इसका मतलब हाइपरलिंक दिखाई है प्रीवियस वीडियो लेक्चर की और अपकमिंग वीडियो लेक्चर की, तो बाद में डालूंगा प्रीवियस वीडियो लेक्चर, तो वो हो गया आपको वो वीडियो लेक्चर नंबर टू, वो भी देख लेना, ये भी देख लेना, और बने रहिए मेरे साथ, ठीक है, एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो लेक्चर्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।